हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके लिए पीसी में पहले से आया है तो उसे आप विंडोज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पेन ड्राइव चाहिए जो कि बूटेबल होनी चाहिए। और आपको अगर नहीं पता है कि इसे कैसे बूटेबल बनाते हैं मैं आपको बता दूंगा बाद में, और लेकिन आप ये समझ लो कि ये एक पेन ड्राइव है जो कि बूटेबल है, इसके अंदर पहले से विंडोज सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो आप सीधा पहले से सिंपल फिर इसके बाद लेनोवो में मेनली ये की, ये की आपको मिलता है, इसको दबाने से आप सीधा बूट मेन्यू में एंटर कर जाते हैं। तो इसे हार्डली आप 5 to 6 सेकेंड के लिए प्रेस कीजिए, उसके बाद आप इसमें एंटर कर जाएंगे। तो आप इसमें ये बूट मेन्यू सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद जो आपकी पेन ड्राइव है वो है इसमें सेलेक्ट कीजिए कौन सी है। इसमें जो शो कर रही है ये किंगस्टन, इसमें एंटर कीजिए। तो ये आपको सीधा उस फाइल में ले जाएगा जो इसके अंदर पहले से मैंने डाल रखी है, अब वो थी विंडोज़ की फाइल। तो सबसे पहले आपसे मांगते हैं कि आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी, तो इसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से सेटिंग है वो ही रहने देता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ। तो सीधा सर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इंस्टॉल। जैसे कि आपको दिखा रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी हमसे मांगता है कि लाइसेंस वगैरह का नेक्स्ट खराब हो गई क्या विंडो, ये वीडियो ऐसे तो कर दूँगा एडिट, काट दूँगा मैं इसमें। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया मेन तो पहले वाली काट दूँगा। अब देख यहाँ पे नेक्स्ट का नेक्स्ट दबाऊँगा ना तो ये न्यू पे नहीं आ रहा, तो पार्टीशन नहीं हो पा रहे, काटी मत ना, चलो मैं अपना पे एडिट कर दूँगा काट पीट। डिलीट मतलब कैंसिल करें एक बार, क्यों कैंसिल कर डिलीट कर देता है एक बार। हाँ डिलीट कर दे फिर अनलोकलाइज्ड हो जाएगा, न्यू आप कर लें। तो आप सिलेक्ट कर लो जितने GB की आप 10,000 लिखते हैं, 1,500 अगर आपको ये शो करता है कि द फॉर्मेट इज़ नॉट अ GPT फॉर्मेट और MBR फॉर्मेट, तो आप सिंपल सिर्फ और F10 पे क्लिक कीजिए, तो आपको एक कंट्रोल कमांड शो करेगा। उसमें फिर आप क्या कीजिए, इसमें आप डिस्क पार्ट्स लाइक लिखिए, डिस्क पार्ट DISKPART डिस्क पार्ट एंटर मारें। ओके नाउ सिलेक्ट द डिस्क, मैंने लिस्ट डिस्क मैंने एंटर किया, ऐसे क्या होगा कि जो मेरी लिस्ट मैंने जो बना रखी है सारी प्रिंट एक बार प्रिंट हो जाएगी।
Now I'm selecting the disk 0. इसके बाद क्लीन सी एल, तो इसने जो डिस्क इसमें पहले से कोई फाइल पहले से अगर पड़ी हुई होगी तो इसने सारा फॉर्मेट मार दिया इसे। अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो जीपीडी फॉर्मेट में। ये आप तभी कन्वर्ट करोगे जब आपका मैसेज शो करेगा कि आपका जो ये डिस्क है वो एमबीआर फॉर्मेट की है। तो आपको क्या करना है, सीधा एमबीआर को जीपीडी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट जीपीडी, जीपीडी कन्वर्ट जीपीडी। तो ये दिखा रहा है कि द डिस्क पार्ट सक्सेसफुल कन्वर्ट इनटू सिलेक्टेड डिस्क और जीपीडी फॉर्मेट। सिंपल। Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember.